माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के द्वारा जन स्वास्थ्य और तथ्य परक पत्रकारिता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते ऐसे समय में जिम्मेदारी और अधिक भी बढ़ जाती है, ताकि पाठकों तक सही सूचना पहुंचे, क्योंकि वैक्सीन हम सबके लिए जीवनदायिनी है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कोविड वैक्सीन के पहुंचने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन का ये बहुत व्यापक अभियान है। सुरेश ने कहा कि विश्वविद्यालय का काम सिर्फ सीखना सिखाना ही नहीं बल्कि थिंक टैंक का भी है। प्रोफेसर सुरेश ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि जीवन को पटरी पर लाना है तो ये वैक्सीन सभी के लिए बहुत आवश्यक है। भ्रम एवं संशय फैलाने वाली रिपोर्टिंग की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की नकारात्मक रिपोर्टिंग पोलियो के टीके के दौरान भी की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी पत्रकारिता करते समय हमें सकारात्मक रिपोर्टिंग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का काम सिर्फ सूचना देना, शिक्षित करना ही नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। स्वास्थ्य पत्रकारिता के दौरान फेक कंटेंट से ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह देते हुए सुरेश ने कहा कि क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या नहीं छपना चाहिए, आज के समय इस पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। इस दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपने विचार विद्यार्थियों के बीच रखे। वरिष्ठ पत्रकार संजय अभिज्ञान ने कहा कि स्वास्थ्य पत्रकारिता करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पाठक को सूचित करने की बजाय कहीं संशय तो पैदा नहीं कर रहे। वरिष्ठ पत्रकार संजय देव ने कहा कि स्वास्थ्य पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी ने स्वास्थ्य पत्रकारिता को एक बड़ा विषय बताया कि हमारे प्रदेश में भी कोविड-19 का वैक्सीन कल ही पहुंचा है। परसों कल से लेकर रोल आउट शुरू हो रहा है पूरे देश भर में। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका रोल आउट शुरू हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और हम उसमें एक मूक दर्शक नहीं है, एक देश के सबसे पुराने सबसे बड़े मीडिया का पत्रकारिता विश्वविद्यालय आज इस ऐतिहासिक संदर्भ में मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय भागीदार का भूमिका निभा रहा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हम सब शायद ही किसी विश्वविद्यालय में देश भर में, शायद ही किसी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का जागरूकता अभियान जन सरोकार को लेकर, जन स्वास्थ्य को लेकर, जन स्वास्थ्य पत्रकारिता को लेकर इस वक्त किया है। जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था तब हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने देश में पहला साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग पर जो क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम को शुरुआत किया था उसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था और देश भर में छात्रों को, संकाय सदस्यों को और पत्रकारों को प्रशिक्षण करने का एक अभियान शुरू किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।